एरवावी चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार एक दो तीन कहानी का शीर्षक है साफ बिल्ली लेखिका कांचन बैनर्जी चित्र बनाए हैं दीपा बलसावर और हिंदी में अनुवाद किया है पूनम एस कुडेसिया ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है म्याँ। ये मेरा घर है इसमें माँ पिताजी और चीना भी रहते हैं घर की सबसे बढ़िया कुर्सी पर मैं बैठती हूँ लेकिन गोद में बैठना उससे भी बढ़िया होता है ना चीना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मैं उसके स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हूँ मैं अपने आप को पानी के बिना ही साफ रखती हूँ मुझे टॉमी की तरह नहाना नहीं पड़ता किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ एक दो तीन ये पकड़ा जब भी मैं बाग से कुछ बढ़िया खाना लाती हूँ तो माँ मुझ पर गुस्सा करती है मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूँ मैं कूद सकती हूँ मुझे यहाँ के सब रास्ते पता है पास में ही संजू रहता है वो मुझे चिढ़ाता है जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है संजू को बता दीजिए कि शेर तो बिल्ली परिवार का ही हिस्सा है हमारे पंजे बहुत तेज होते हैं कभी कभी मेरे दोस्त रास्ते में खूब शोर मचाते हैं तब तक मैं आराम से बिस्तर में सो जाती हूँ कैसी लगी मेरी कहानी अच्छा कहानी के बाद अभी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछ भी बात करती है क्या आपने ध्यान दिया है कि जानवर और पक्षी अपनी पूछ से कितना कुछ कह जाते हैं कुत्ता जब खुश होता है अपनी पूछ हिलाता है बिल्ली को जब गुस्सा आता है तब वो अपनी पूछ फुला लेती है एक और मज़ेदार बात बिल्लियों को पानी में भीगना बिल्कुल नहीं भाता वे खुद को चाट चाट कर एकदम साफ सुथरा रखती है उनको नहाना नहीं पड़ता कहानी खत्म मुझे और एक सुननी है उसके बाद और एक अच्छा अच्छा आपको भी सुननी है ना और कहानियां तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर एरवावी एरवावी